हेलो दोस्तों, आज आप सभी को ये वाला पोस्टर का पीएलपी फाइल देने वाला हूँ। जो भक्ति सॉन्ग का पोस्टर है, इसका पीएलपी फाइल आपको देने वाला हूँ और साथ में ये वाला फंड भी देने वाला हूँ। देख सकते हैं, ये वाला फंड भी देने वाला हूँ। इस फंड को डाउनलोड करके किस तरह से पिक्सल में ऐड करेंगे, उस पर भी एक वीडियो बना के रखा है। उसका भी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को देख लीजिएगा किस तरह से फंड को ऐड करते हैं पिक्सल में, और इसका पीएलपी फाइल कैसे डाउनलोड करेंगे वो आपको मैं यहाँ पे इस वीडियो में बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी ऐसा वीडियो बनाओ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप देख सकें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसका पीएलपी फाइल डाउनलोड कर लिया है। इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और लिंक देखिए, मैं व्हाट्सअप में कॉपी करके रखा है, तो इस लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कोई भी एक ब्राउज़र में ओपन कर लेना है। ओपन करने बस कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, तो इसके ऊपर टच करके इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे टच करके इसका डाउनलोडिंग चालू हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर मैं आपको दिखा देता है इसका डाउनलोडिंग चालू हुआ है या नहीं। यहाँ ऊपर मैं आपको दिखा देता है, देखिए यहाँ पे इसका डाउनलोडिंग चालू हो चुका है, ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों आपको इसको अनजिप कर लेना है। अनजिप करने के लिए आपको प्ले स्टोर से RR ऐप डाउनलोड कर लेना है। प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है RR, फर्स्ट में आपको आ जाएगा RR ऐप, उसको डाउन इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद उसको ओपन करना है। तो देखिए ये वाला RR ऐप है, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला है, तो इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद से आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, तो आपको कुछ इस तरह से आएगा तो इसको डिसमिस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको डाउनलोड फोल्डर में आ जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका डाउनलोडिंग हो चुका है, डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद आपको डाउनलोड फोल्डर में आ जाना है। डाउनलोड फोल्डर में आने के बाद आपको जी फाइल यहाँ पे ढूंढ लेना है। यहाँ पे भक्ति सॉन्ग पोस्टर, यहाँ पे देख सकते हैं वाला जी फाइल है, इसके ऊपर टिक लगा देंगे। टिक लगाने के बाद आपको यहाँ प्लस के बॉल में तीर का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से ओके कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड डाल देना आपको, 5688 इसका पासवर्ड है, आपको पी एल पी फाइल का ये पासवर्ड आपको डाल देना है। और फंड का पासवर्ड आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिए कि एक जगह आपको लिखा हुआ पासवर्ड मिल जाएगा, उस पासवर्ड को डाल के आपको फंड को अनजिप कर लीजिएगा। और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये फाइल अनजिप हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों आपको पिक्सल लैब में आ जाना है। पिक्सल लैब में आने के बाद यहाँ पर देखिए, इसको मैं कैंसिल कर देता है। तो पिक्सल लैब को ओपन करेंगे, ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हो ओपन डॉट पी एल पी फाइल लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और यहाँ ऊपर पी एल पी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। देखिए इस तरह से फोल्डर आपको दिख जाएगा, भक्ति सॉन्ग का पोस्टर इस तरह का फोल्डर दिख जाएगा, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में पी एल पी फाइल शो करेगा, इसके ऊपर क्लिक करके ओपन एंड ऐड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं पोस्टर ऐड हो चुका है। उसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे अपना फोटो यहाँ पे चेंज कर देना है। ये वाला फोटो आप यहाँ से चाहें तो डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद आपको प्लस आइकन पे क्लिक करके फॉर्म गैलरी में जाके आपको फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। जो फोटो रहेगा वो फोटो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। तो मैं इसको यहाँ पे पहले ही ऐड कर देता हूँ इसी फोटो को। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके आप नाम चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे जो भी नाम है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे चैनल का नाम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एल्बम का नाम कैसे चेंज करेंगे, तो इसको आपको यहाँ पे पहले डिलीट करना पड़ेगा, तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर देंगे। उसके बाद से जो भी आपको एल्बम का नाम लिखना है उसको यूनिक कोड पैड में लिख लेना है। तो फंड को डाउनलोड करके यूनिक कोड पैड में ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको इस तरह से एल्बम का नाम लिख लेना है। इस पर पहले से मैं वीडियो बना के रखा है किस तरह से यूनिक कोड पैड में फंड को ऐड करते हैं, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस तरह से करने के बाद से आपको यहाँ पे एल्बम का नाम लिख लेने के बाद से आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद से आपको पिक्सल में फिर से आ जाना है। यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करना है, एडिट पे क्लिक करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसको पेस्ट करने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे फंड को सेलेक्ट कर लेना है। फंड वाला ऑप्शन में आना है, फंड को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो फंड रहेगा वो फंड आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है।
ये वाला फंट है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने वैसे यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने वैसे आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने वैसे एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको इतना कट कर लेना है। इस तरह से कट कर देंगे, इसको यहाँ पे अलग कर देंगे। फिर से एक बार कॉपी करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से कट कर देंगे और यहाँ पे लास्ट में ये वाला कट कर देंगे। ऐसे देख सकते हैं इसको, और इसको भी हम यहाँ पे ला देंगे। फिर इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सभी को कट कर देंगे। यहाँ से इतना कट कर देंगे और ओके कर देंगे। और इसका जो साइज़ है यहाँ पे इतना ही रहने देंगे, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम इस तरह से। और इसको हम यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। फिर नीचे वाला उसको साइज हमको वहीं रहे उसी साइज पर रहने देंगे। इस तरह से कर लेंगे उसको। बस यहाँ पे कलर कर देना है, कलर वाला ऑप्शन में आना है आपको, नीचे वाला पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे इस तरह से शो करेगा तो आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ पे टच करना है और यहाँ पे क्लिक करके आपको इस लाइन को यहाँ पे ले लेना है रेड कलर में। इस तरह से कर देना है और वाइट कलर को आपको यहाँ पे यहाँ सेलेक्ट करना है और इसको यहाँ पे ब्लैक कलर कर देना है और ओके कर देना है। इस तरह से करके आपको यहाँ पे कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे वाइट कलर का स्ट्रोक दे देना है आपको। यहाँ पे इस तरह से वाइट कलर का स्ट्रोक दे देंगे। फिर से यहाँ पे कलर में आएंगे और इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस तरह से हम इसको यहाँ पे इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद से दोस्तों को क्या करना है, आपको ये वाला पे स्टाइल पे क्लिक करना है और इसको सेव कर लेना है। इस तरह से सेव कर लेना है। उसके बाद से दूसरे वाले पे टच करना है, फिर स्टाइल्स में जाना है और यहाँ पे देखिए ब्राउज लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और माई स्टाइल्स में जाएंगे। यहाँ पे इसके ऊपर टच करके इसको सेव कर लें। फिर इसको भी नीचे वाले पर भी ऐसा ही कर लेंगे। इस तरह से जाके इसको भी इसे यही कलर सेट कर देंगे। उसके बाद से बीच वाले में क्लिक करना है और कलर में आना है आपको। और फिर से आपको यहाँ पे टच करना है और जो रेड कलर है उसको आपको इस तरह से ब्लू कलर या जो भी कलर आपको अच्छा लगे वो कलर लगा के ओके कर देना है। यहाँ पे इस तरह से ओके कर देना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे देखिए इसके ऊपर टच करेंगे और यहाँ से शेडो दे देंगे। इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं पीला कलर का शेडो दे देंगे। यहाँ पे इस तरह से शेडो दे देंगे। फिर दूसरे वाले पर क्लिक करेंगे, फिर इसमें भी शेडो दे देंगे येलो कलर का। इस तरह से येलो कलर का शेडो दे देंगे, इसको इनेबल कर देंगे। फिर नीचे वाले में भी शेडो दे देंगे इस तरह से और ये इसको इनेबल कर देंगे। इस तरह से शेडो दे देंगे यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे टच करना है, फिर यहाँ पे टच करना है और तीनों को एक साथ मर्ज कर देना है। इस तरह से आपको एक साथ मर्ज कर देना है। मर्ज करने के बाद आपको इस तरह आपको यहाँ पे टच करके इसको इस तरह से कर लेना है और यहाँ से इस तरह से करके आपको इसको साइज को बड़ा कर लेना है। थोड़ा साइज को बड़ा कर लेना है। साइज को बड़ा करने के बाद आपको यहाँ पे स्टॉक पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए शैडो पे इसको इनेबल कर देना है और इसको यहाँ पे इस तरह से कम कर लेना है। सिर्फ इस तरह से कर देना है आपको। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आपको कर लेना है। इस तरह से आप अपने हिसाब से एल्बम का नाम लिख लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके सेव एज इमेज पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। एच डी में करने के लिए दोस्तों आपको रेमनी ऐप में जाके एच डी में कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में इसको देख लीजिएगा किस तरह से उस ऐप में इसको एच डी में करते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी ऐसा वीडियो बनाओ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप देख सकें।